सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर वीडियो। एंड यस, आज वीडियो बहुत टाइम बाद बन रही है और उसके लिए सॉरी यार, कंटिन्यू व्लॉग नहीं बना पाया बिकॉज ऑफ आवर शॉप एंड वर्क। तो फाइनली आज वो दिन आ गया कि हम बहुत टाइम बाद यार लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं और हम जा रहे हैं हर बार की तरह माउंट आबू और चलने वाले ये अपने सामने ग्रुप है, ठीक है, इनसे भी आपकी परिचय कराएंगे वैसे तो, और आगे भी और लोग आएंगे उदयपुर से, ऐसे कोई बात नहीं है। और अपनी गाड़ी अभी भाई इंजन का वर्क हुआ है और एकदम प्रॉपर हो चुकी है, सामने देख पा रहा हूँ एकदम कंप्लीट है गाड़ी, होप सो गाड़ी में कोई दिक्कत ना है। सो लेके भगवान का नाम बैठते गाड़ी पे, चलो लेट्स गो। तो चलो, सुंदर सा ये मौसम और काफ़ी बेहतरीन राइड के साथ आज हम शुरू करते हैं माउंट आबू व्लॉग का पार्ट वन। सो होप सो सब कुछ इस राइड पे बेहतर ही जाए और जैसा हम एक्सपेक्ट करके निकल रहे हैं वहाँ का मौसम, वो मौसम वही मिले। एंड ये सो कि अपनी गाड़ी भी थोड़ी सही चल जाए, बिकॉज आपको शायद पता नहीं होगा मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉग में भी नहीं डाला, बस अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे मैंने ज़रूर ये चीज़ डाली थी कि अपनी गाड़ी को अपन थोड़ा ट्यून कर रहे थे। बट यस, अपने गाड़ी को बिल्कुल ब्रांड न्यू कर दिया इंजन को ताकि गाड़ी पावर ज़्यादा ले। सो यस, तो भाई फ्यूल अप हो चुका है, टैंक इज फुल। हाँ मैं ही भरवा था, सही है। अब भिलवाड़ा छोड़ने का टाइम आ चुका है, जैसे कि आप सामने देख रहे हो मौसम एकदम साफ है, कहने को मतलब बारिश का मौसम है। और ये आप देख पा रहे हो भाई भिलवाड़ा के नज़ारा हमारे, और यहीं से हम भिलवाड़ा को टाटा वाई वाई कर देते हैं। और गाड़ी का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है, कहने को मतलब गाड़ी बहुत प्रॉपर वे में चल रही है, जैसी 390 चलती है वैसी। एंड यस, एकदम काम परफेक्शन में हो रखा है, अभी तक सबको ठीक है, आगे कैसा क्या रहता है वो मैं आपको चलते हुए आगे बताऊंगा। तो गाइस फाइनली अपन गुरला पहुंच चुके हैं, गुरला हमारे भिलवाड़ा से समथिंग 22 to 23 किलोमीटर से, आप सामने देख पा रहे होंगे मोर है, वहाँ मोर बैठा है। बारिश का काफ़ी सुंदर मौसम है, सारी ग्रीनरी वापस आ चुकी है पेड़ों पर, वापस हरियाली आ चुकी है, एक मुस्कुराहट आ चुकी है पेड़ों के बीच में। एंड अभी यह हम यहाँ टी ब्रेक लेंगे एंड फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपनी राइड को। तो भाई 30 से 40 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है अप्रोक्सीमेटली, और कल रात को काफ़ी तेज़ बरसात आने की वजह से आज काफ़ी सारे पौधे मतलब हरे भरे हो गए और नए नए पौधे भी दिख रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। सो यस, अभी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी हरियाली है और काफ़ी शानदार मौसम है, आगे बरसात होगी डैम श्योर होगी, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम बादलों वाला हो रहा है उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि 101% आगे बरसात होगी। सो गाइस, वहाँ रेस्ट कर लिया अच्छा खासा और 15-20 मिनट मैंने थोड़ी नींद भी निकाल ली, सो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी आपको डल भी आ रही होगी। सो यस, अभी मैं ड्यूब पे आ चुका हूँ, काफ़ी स्पाइन में पेन आ गया था मेरा, सो दैट्स व्हाई थोड़ा मैंने बाइक चेंज कर ली, ड्यूब पे आ गया हूँ। सो यस, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठंडा हो रहा है एंड बहुत शानदार मज़े आ रहे हैं। सो अभी हम राजसमंद में हैं और नाथद्वारा यहाँ से कोई 50 or 70 किलोमीटर्स होगा, नाथद्वारा शायद रुकेंगे, यहाँ भी ना भी दोनों है हमारा। सो धीरे धीरे चल रहे हैं, पीछे सारा आ रहा है। सो मिलते चलो नाथद्वारा पहुँचते हैं एंड वहाँ जाके व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। On the way to you, in an orange sky, by the ocean blue, every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view, walking slowly in the mountains underneath the constellations, yeah, I know that you've been waiting for me, time is losing all its meaning like I'm living in a dream and I've been chasing all the feelings I need, it's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet, it's in these moments where all I know is coming into focus. Finally hum Nathdwara pahunch chuke hain, jaise ki aap samne dekh hi pa rahe honge, एकदम शानदार सा व्यू है, आप देख पा रहे हो जंगल पहाड़ों के ऊपर ऐसे लोगों के घर है, होटल्स है एंड शिवजी महाराज की सबसे बड़ी मूर्ति है यहाँ
और यहाँ एक सिन्हा जी महाराज भी है, मतलब सिन्हा जी भगवान भी है, जो कि देख पा रहे हो ये आयुष भाई का। सो अभी आगे बढ़ते हैं, नाथद्वारा तक आ चुके हैं। अप्रोक्स हमने 100 to 150 किलोमीटर हमने कर चुके हैं क्रॉस, और अब हमारे को थोड़ा और आगे चलना है, मतलब अप्रोक्सीमेटली मान लो 60 to 70 किलोमीटर और तो हम पहुँच जाएंगे उदयपुर। तो गाइस चाय वगैरह पी लिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके अब अपन सीधा निकलेंगे उदयपुर की तरफ। सो टाइम हो चुका है 10:23, उदयपुर चलेंगे, गाड़ी वाड़ी वॉश वगैरह करेंगे। ये कहीं ना कह रहे था ना गाड़ा वो करो और ज्यादा बको ये राहुल गडूरो आया कहीं और काफी शानदार राइड चल रही है और काफी मजे आ रहे हैं, और कसम से हर राइड के मुकाबले आज की राइड जो है वो बहुत शानदार वे में कट जा रही है भाई, नेक्स्ट लेवल मजे आ रहे हैं, बहुत प्यारा हो रहा है सब कुछ एंड बहुत सही चल रहा है, कोई अभी तक कोई इशू फेस नहीं किया हमने इस राइड पे। सो यस, उदयपुर पहुंचने वाले हैं एंड वहाँ हमारे दो राइडर रिसीव होने वाले हैं एंड देन सीधा माउंट आबू एंड वहाँ स्टे का कुछ देखेंगे। सो व्यू काफ़ी अच्छा है नेचर का एंड बेटर टू से बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। सो देख पाएंगे अहमदाबाद हल्दीघाट ट्रेन उपली ओडन जो भी कहते हैं। सो सभी राइडर्स अभी लीन वगैरह के पागल हो जाएंगे, तो अभी चलता अपन आगे। तो गाइस सब रेडी है और अपने उदयपुर राइडर्स क्लब से भी कुछ बंदे आए थे मिलने, सो ऑल सेट, लेट मी चेक वंस, इसे ऊपर चढ़ा लेते हैं। 390 310 पल्सर 220 है, 415 भाई, क्लासिक ए ड्यूक डोमिनार सब आ चुकी भाई, मतलब क्या नहीं बचा, और एक बार नज़ारे का भी आनंद लो यार भाई, कितना शानदार मतलब एकदम व्यू हो रखा है। खैर ये 10 बार में ये लाइन बोल चुका हूँ बट यस ये बनता है ये बोलना, और सच में रियलिटी में काफ़ी शानदार नज़ारा हो चुका है भाई, क्या नज़ारा है यार, क्या नज़ारा है, तो अलग लेवल। तो भाई यहाँ से हो चुका है हम उदयपुर से भी आउट, और अब हमारा डायरेक्ट जो रूट है वो है सीधा माउंट आबू का, अब हमारे को ना किसी के लिए स्टॉप लेना ना कुछ, सीधा खाना खाने के लिए स्टॉप लेंगे। तो भाई फाइनली आबू रोड पर आ चुके हैं और ये रास्ता लगता है माउंट आबू में, जैसे कि आप सामने पहाड़ देख पा रहे होंगे ये सारे माउंट आबू के पहाड़ है एंड काफ़ी क्लोज है माउंट आबू के, इतना लंबा सफ़र तय किया हमने, इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ जैसे कि क्या कैसे क्या बताऊँ मैं आपको, बताऊँगा मैं थोड़ी देर में बताऊँगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ मैं, पानी कम है बट यस आई होप सो ऊपर बादल हो बिकॉज मेरे को यहाँ से दिख रहे हैं हल्के 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 फॉगिंग मेरे को दिख रही है। सो यस अभी ऊपर चलेंगे एंड वहाँ देखेंगे कि भाई कैसा क्या माहौल है वहाँ का। तो गाइस वेलकम टू माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो यस
पहुंच चुके हैं। और भाई गंदा एक्सीडेंट यार, ये देखो चेक करो, पूरी ऑल्टो आगे से धस गई। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं माउंट आबू में। सो अभी चलो एक्सप्लोर करते हैं पूरे पूरे माउंट आबू के। देखो यहाँ बारिश भी आई है, पानी के निशान हो रहे हैं और यहाँ बड़ा छोटे जमीन भी गीली गीली सी हो रही है। सो यस, आगे चलते हैं, बड़े बड़े नज़ारे कैप्चर करेंगे एंड फोटोज़ क्लिक करेंगे। एंड इफ आपको मेरी यहाँ की स्टोरियाँ देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं, नकुल कस्टम्स पे। और बाकी आप यहाँ अब नज़ारों के थोड़ा आनंद लो। तो गाइस फाइनली थोड़ी देर में हमने स्टॉप लिया सात गुम व्यू पॉइंट पर। तो सब आ चुके हैं और अब जाएंगे ऊपर। एंड आप तो सिनेमेटिक इन्जॉय करो यार, क्योंकि ज़्यादा बोलूँगा तो खैर पहाड़ के ऊपर है तो ज़्यादा बोलने में आएगा नहीं। तो ये सब ऊपर चलते और पूरा सिनेमेटिक शॉट में आपको दिखाऊंगा। तो या भाई चेक दिस आउट, भाई क्या माहौल है यार। तो गाइस फाइनली अब अपन माउंट आबू पहुंच चुके हैं एंड हमेशा की तरह आंटी जी के आ गए और हम यहीं कुछ चाय नाश्ता करेंगे और फिर आगे हमारे जो हमेशा की जो होटल रहती है उधर ही चलेंगे। फिर उसके बाद शाम को आज नक्की झील में एंजॉय करेंगे, थके हुए सो ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। तो अभी वेट करते हैं और टीम मेम्बर्स का, देन फिर आगे प्रोसेस करते हैं करने के। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम जा रहे हैं होटल कन्फर्म करने कि भाई जिस होटल हमने पिछली बार स्टे किया था क्या वो मिलेगा या नहीं। एंड यू नो व्हाट, फॉग लैंप्स तो मतलब आज भी यूज़ करने पड़ ही गए हैं बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा फॉग है। आपको शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा बट रियल लाइफ में है यहाँ फॉग, बहुत अच्छा खासा फॉग है और काफ़ी ठंड आ रहे हैं कसम से। और मैं तो कोई ब्लेजर व्लेजर कुछ भी नहीं लाया आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो भाई ये ट्रेवल स्टैंग जाके हम कल या परसों आएंगे। एंड यहाँ एक नदी भी है इसमें क्या मगरमच्छ रहते हैं, इसलिए इसका नाम ट्रेवर स्टैंग रखा गया है। ये ढेर सारा मगरमच्छ है। और यार बाय द वे ये जंगल देखो यार, एकदम शानदार हो गया यार। मतलब काफ़ी ज़्यादा बरसात आई है यहाँ इन दिनों, लेट्स वाई, बट काफ़ी अच्छी बात है ये यहाँ बरसात आई है इसलिए।